जो भी हम एक वीक में पढ़ाए हैं जस्ट लाइक उसका रिवीजन भी हो जाएगा और उसका टेस्ट भी हो जाएगा कि कोई टॉपिक में अगर आप फंस रहे हैं तो हमको भी पता चलेगा कि वो टॉपिक को फिर से एक बार रिवाइज कराने की जरूरत है। तो आज जो वीकली टेस्ट है वो आपको कौन कौन से टॉपिक पे डिपेंड करेगा, देखिए आज जो वीकली टेस्ट होने वाला है इनक्वालिटी, साइलो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डीआई एंड पजल, इतना टॉपिक अभी तक हम कराए हैं और इतना का हम आज आप लोग का टेस्ट लेंगे। तो जो भी जितना भी क्वेश्चंस होंगे आप लोग अपना अपना स्कोर लास्ट में हमको शेयर करेंगे, कितना स्कोर आया, आखिर गड़बड़ हुआ तो क्यों गड़बड़ हुआ, ये भी हम थोड़ा जानना चाहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइमर के साथ ही टेस्ट होगा, टेस्ट को टेस्ट की तरह देखेंगे। पहला क्वेश्चन है साइलो का और इसमें हम समय ही देंगे, जैसे कि समय के साथ स्टार्ट करना है आप लोग को। ठीक है, 2 मिनट आराम से बनाइएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है। सर ओनली कंक्लूजन वन फॉलो। चलिए आंसर देना है क्या? मुझे लगा बाद में बताना है। नहीं नहीं आंसर देना है, बिल्कुल देना है। वो बोला टेस्ट नहीं है तो कभी कर लीजिए। नहीं नहीं आंसर देना है, बिल्कुल देना है। और अगले बार से जो आप लोग का वीकली टेस्ट होगा ना, वो आप लोग को हम जिस दिन आप लोग का वीकली टेस्ट होगा उस दिन एक लिंक भेजेंगे। उस लिंक के वो लिंक जैसे ओपन कीजिएगा, जिस तरह से एग्जाम में आप लोग का क्वेश्चन आता है उसी हिसाब से आपको वीकली टेस्ट मिलेगा। आप लोग का नंबर उसी समय आ जाएगा, फिर मेरे पास भी डिटेल आ जाएगा किस स्टूडेंट का कितना नंबर आया है और उसका सॉल्यूशन हम करवा देंगे क्लास में। मॉर्निंग में आप लोग का लिंक दे देंगे, दिन भर आप लोग के पास समय रहेगा, रात में हम उसका डिस्कशन करा देंगे। ठीक है, ठीक है सर। चलिए तो पहला है साइलो का, आइए देखते हैं। समय हुआ समाप्त, धीरे धीरे समय हम लोग कम भी करेंगे और जिनका साइलो नहीं भी पढ़ा हुआ है, जो लेट से ज्वाइन किए हैं उनको चिंता करने का जरूरत नहीं है, आप रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हैं, नहीं तो हम फिर से साइलो तो होते रहेगा, साइलो का टेंशन नहीं लेना। देखिए सम वोवेल आर वर्ड, सम वोवेल आर वर्ड, ओनली अ फ्यू वर्ड आर सेंटेंस, ओनली अ फ्यू वर्ड आर सेंटेंस। जब भी हम लोग फ्यू का बात करते हैं तो ये वाला पार्ट ब्लॉक हो गया। ब्लॉक का मतलब, ओनली अ फ्यू का मतलब होता है सम पॉजिटिव में सम नेगेटिव में, माइक ऑफ कर लीजिएगा, सम पॉजिटिव में। ओनली अ फ्यू वर्ड आर सेंटेंस का मतलब ये होता है कि सम वर्ड आर सेंटेंस और सम वर्ड आर नॉट सेंटेंस, दोनों होता है। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट जो है ओनली अ फ्यू का पार्ट है। ठीक है, आपसे पूछा है सम वर्ड्स आर नॉट सेंटेंस, सम वर्ड्स आर नॉट सेंटेंस, बट कोई ऐसा पार्ट है जो सेंटेंस नहीं है। हाँ, ये वाला जो पार्ट है, ये सारा पार्ट जो है वो सेंटेंस नहीं है, कंफर्म है। अभी आपको बताएं ओनली अ फ्यू वर्ड्स सेंटेंस का मतलब होता है सम वर्ड्स आर सेंटेंस, सम वर्ड्स आर नॉट सेंटेंस। ठीक है, तो फर्स्ट आपका सही है, सम वोवेल आर सेंटेंस, वोवेल और सेंटेंस का डेफिनेट में कोई रिलेशन नहीं है, तो जवाब ना हाँ का पता ना का पता। चलिए अगला क्वेश्चन है, बनाइए। Thank you.
कंक्लूजन सेकंड फॉलो। कंक्लूजन सेकंड फॉलो। सेकंड फॉलो सर। ओ उत्तर सेकंड फॉलो। ओके सेकंड फॉलो। चलिए, ऑल नंबर आर नेचुरल, ऑल नंबर आर नेचुरल। माइक ऑफ कर दीजिए, कोशिश कीजिए बोलने के बाद माइक को ऑफ कर दिया जाए, जिससे आपको भी क्लियर आवाज आएगा। नो प्राइम, नो प्राइम, ओनली अ फ्यू नंबर आर प्राइम, ओनली अ फ्यू नंबर आर प्राइम। ठीक है, ओनली फ्यू का मतलब ये पूरा पार्ट, दोनों का पार्ट ब्लॉक। ओनली फ्यू नंबर आर प्राइम का दो मतलब होता है, सम नंबर आर प्राइम और सम नंबर आर नॉट प्राइम। पूछा है नो प्राइम इज नंबर, नो प्राइम करा कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, बताइए। गलत है सर। देखिए नंबर का प्राइम से डिफिनिट में तो रिलेशन आपको पता है, पता है कि नहीं? पता है, पता है कुछ कुछ है, कुछ प्राइम नंबर है। हाँ, अब यहां बोल दिया है, ये आपको पता है कि कुछ प्राइम नंबर है फिगर के हिसाब से। आपसे पूछ दिया क्या कोई भी प्राइम नंबर नहीं? गलत, बिल्कुल है। सामने फिगर में आपको डिफिनिट में रिलेशन पता है कि है, तो नहीं का सवाल ही नहीं। सम प्राइम आर नेचुरल, प्राइम और नेचुरल, देखिए ये वाला पार्ट है नेचुरल का, ये वाला पार्ट लिया हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा? ओनली टू फॉलो। नेक्स्ट, ओनली वन फॉलो सर। ओनली वन फॉलो। चलिए सब लोग फटाफट जवाब दीजिए। सर बोथ फॉलो। बोथ फॉलो। ओनली वन फॉलो। ओनली वन फॉलो। ओनली वन फॉलो। ओनली वन फॉलो। ओनली। चलिए आइए देखते हैं। ओनली अ फ्यू कप्स आर बकेट, ओनली अ फ्यू कप्स आर बकेट। ओनली अ फ्यू, ये वाला पार्ट ब्लॉक हो गया। हमेशा आप लोग भी कोशिश कीजिए, जिससे कंफ्यूजन कभी नहीं रहेगा कि ये वाला पार्ट ब्लॉक है, अब इसको कोई खरीद नहीं सकता। बोला है कि नो बकेट, नो बकेट इज जग, कोई भी बकेट है जो जग नहीं है। कोई भी बकेट जग नहीं, यानी कप का भी कुछ पार्ट है जो जग नहीं होगा। बिल्कुल। आपसे पूछा क्या है कि सम कप आर नॉट बकेट, कप का ये वाला पार्ट, देखिए ध्यान से। ओनली अ फ्यू कप आर बकेट का मतलब सम कप आर नॉट बकेट भी होता है, फर्स्ट में तो कोई इशू नहीं है, सबको समझ में आ गया होगा। सम कप आर नॉट जग, कप का ये वाला पार्ट क्या बोले है कि जग नहीं है। नहीं सही है। इतना सिंपल क्वेश्चन कैसे आप लोग मिस कर सकते हैं? हमको तो ये समझ में नहीं आया जब आप लोग ओनली वन बोल रहे हैं। फिगर में साफ पता है कि कप का ये वाला पार्ट कभी भी जग नहीं होगा। चलिए एक विकेट गिरा आप लोग का। चलिए इनक्वालिटी, आराम से समझ बूझ के बनाना है, कोई हड़बड़ी नहीं है कि Thank you.
ओनली टू फॉलो सर, ओनली टू फॉलो, ओनली टू फॉलो सर, ओनली टू फॉलो, बोथ फॉलो, ओनली टू फॉलो, बोथ फॉलो, ओनली टू फॉलो। चलिए आइए देखते हैं, माइक को ऑफ कर दिया जाए। ओनली टू सर, ओनली टू फॉलो होगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा बोले हैं कि इसको पलट दीजिए जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। हमको h ग्रेटर इक्वल e चाहिए, यानी कि h के घर से e के घर जाना है, हर जगह ग्रेटर और इक्वल दोनों होना चाहिए। ठीक है सर, ओनली टू फॉलो ही है, ओनली टू फॉलो ही है। और किसी को जवाब देना है तो लॉक कर दीजिए, बाद में चेंज कीजिएगा तो हम उसको वैल्यू नहीं देंगे। चलिए आई, क्लियर है? चलिए एच से ई के घर जाना है, ग्रेटर और इक्वल दोनों होना चाहिए। एच से आई के घर गए, आई से ई का कोई रिलेशन नहीं है, आगे कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, एच से डी के घर जाना है, एच से आई के घर गए, आई से एफ के घर गए, एफ से ई के घर गए, ई से डी के घर गए। हम क्या बताए थे आप लोग को, मिनिमम एक ग्रेटर होना चाहिए, मैक्सिमम कितना भी ग्रेटर हो उससे हमको कोई मतलब, ग्रेटर इक्वल भी काउंट होता है लेकिन मिनिमम एक ग्रेटर होना चाहिए। ओनली टू फॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली फर्स्ट फॉलो सर, ओनली वन फॉलो सर, वन फॉलो सर, वन फॉलो, ओनली वन सर। चलिए ओनली वन, ओनली वन सर, ओनली वन। चलिए देखते हैं, एम एम ग्रेटर देन एक्स आपको चाहिए। M से B गया, B से N गया, N से Z गया, एक हमको मिनिमम ग्रेटर मिल गया, कोई इशू नहीं है। N से S जाना है, N से S जाना है, N से Z आया, Z से X गया, यहाँ पे साइन चेंज हो गया यानी कि घर नहीं जा सकते। ठीक है, ओनली वन फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोथ फॉलो सर, बोथ फॉलो, बोथ फॉलो सर, सर बोथ फॉलो, बोथ फॉलो सर, बोथ फॉलो, बोथ फॉलो, बोथ फॉलो। आइए देखते हैं, एम से पी के घर जाना है, एम से पी के घर एन ओ पी, मिनिमम एक ग्रेटर मिल गया, जा सकते हैं। हमको आर से ओ के घर जाना है, आर से क्यू, क्यू से पी, पी बराबर ओ, यहाँ पे ओ मान लीजिए, एक मिनिमम ग्रेटर मिल गया, ये भी सही है आपका, बोथ फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट, बताया हुआ क्वेश्चन है, आराम से बनाइए, सही सही आंसर चाहिए।
ऑप्शन ए। ऑप्शन बी सर। ऑप्शन ए सर। ऑप्शन ए। इतना समय तो नहीं लगना चाहिए था। 2 साल होगा सर। 2 साल। आइए देखिएगा क्यों इतना समय लगा। देखिए हम जब सीआई आप लोगों को पढ़ाए थे तो वहां पे एक चीज मेंशन किए थे कि जब आपको जब भी टाइम निकालना रहेगा ठीक है तो वहां पे हमेशा ऑप्शन मेथड यूज कीजिएगा। बाकी जगह तो फॉर्मूला आप लोगों को बता चुके हैं, प्रिंसिपल का फॉर्मूला बता चुके हैं, अमाउंट का फॉर्मूला बता चुके हैं, रेट का भी फॉर्मूला बता चुके हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे आसान तरीका क्या है कि आप ऑप्शन मेथड से निकाल लीजिए, बहुत जल्दी निकलेगा ठीक है। अब यहाँ पे आपको बोला है प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, रेट कितना दिया हुआ है, 7% ठीक है। बोल रहा है इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 45। आपको क्या चाहिए तो टाइम चाहिए, व्हाट इज टाइम। सिंपल, इसमें कुछ करना नहीं है। आप क्या कीजिए, आपको बताए थे कि जब भी आप 2 साल का आपको फॉर्मूला ट्रिक पता है 2:1, 3 साल का 3:1 याद ही होगा आप लोग को। अब यहाँ 2 साल का है तो 2 साल वाला में तो और सॉरी 2 साल बोल रहे हैं, इसमें अगर टाइम नहीं दिया है तो एक चीज आप बताइए, सिंपल सोच के बताइए कि अगर पहला साल आप लोग को समझाए थे, पहला साल अगर किसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो दूसरा साल रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना हो जाता है, 21%। बस ये चीज अगर आपको याद है ना तो फिर बहुत ही आसान है आपके लिए। अब यहाँ पे 7% है ठीक है, तो 2 साल में टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 14% से थोड़ा सा अधिक होगा, 14% प्लस 7% का 7%। अब एक चीज बताइए कि आप 2 साल पहले उठाते हैं, 2 साल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इंटरेस्ट बहुत छोटा है, इंटरेस्ट छोटा कारण साफ पता चल रहा है कि 2 साल होगा। कैसे होगा देखिए, 2 इज 1 कर दीजिए। अब देखिए 30,000 का 7% बहुत आसान है, 2100। अब 2100 का 7% 1547। अब आपको एक चीज समझ में आ गया, लास्ट में आपको ये मिल गया 47 और यहाँ पे लास्ट में 47 मिल गया। आगे बनाने का जरूरत नहीं है, यही आंसर मार सकते हैं कि आपका 2 ईयर होगा
पर बनाना है तो बना लीजिए। ये कितना हो गया, इसको आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ये हो जाएगा कितना 4200, और ये जोड़ देंगे 147, ये आपका 743, ये आ गया 4347। तो हमेशा से बताइएगा। हाँ देखिएगा, देखिए हम जब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि अगर अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है फर्स्ट ईयर में, तो सेकंड ईयर में वो 21% हो जाता है। ठीक है, होता क्या है थोड़ा सा हम बता देते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट जो चक्रवृद्धि ब्याज है, वो पहला साल अगर 10% आपको मिल रहा है तो दूसरा साल 10% तो मिलेगा, लेकिन इस 10% का भी 10% मिलेगा, यानी ये कितना हो जाएगा 1%। टोटल ये 20% प्लस 1%, ये कितना हो गया 21%। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये 7% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और अगर दो साल में, अब आप ही बताइए 30,000 का ये कितना परसेंट है। बस दिमाग में इसको अगर कैलकुलेट कर लेंगे ना, मोटा मोटी कैलकुलेट कर लीजिए कि 30,000 का 10% कितना होता है, 3,000। तो ये आपको लगभग 14-15% का एक्यूरेट आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो सीधे 30,000 का 15% निकाल लीजिए, 45,000 बस हो गया। आपको पता है कि दो साल, पहला साल में 7%, दूसरा साल में 14% प्लस 7% का 7%। ठीक है, तो अब वहां से इजीली आप उसको निकाल सकते हैं। बहुत इसका तरीका है, जब जितना ज्यादा क्वेश्चन बनाएगा ना, खुद आपका दिमाग डेवलप कर जाएगा। आप यहां से इसका निकाल सकते हैं ये 30,000 का कितना परसेंट है, उस हिसाब से आप यहाँ पे ईयर अब ही बताइए। अगर आप 2.5 साल भी करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 3 साल करेंगे तो संभव ही नहीं है, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये चीज आपको कैलकुलेट करना, और हमेशा लास्ट डिजिट से, ये जो लास्ट डिजिट है ना कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत काम आपको करेगा। लास्ट डिजिट से आप कर सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, आंसर हो जाएगा 2 ईयर। सर इस क्लास का वीडियो सर होगा तो भेज दीजिए ग्रुप में सर। बिल्कुल है, सारा वीडियो है ग्रुप में, बस कंपाउंड इंटरेस्ट डालिए सर्च पे, आ जाएगा। ओके सर, 1 घंटा का वीडियो है। चलिए सीआई माइनस एसआई, 2 साल का भी ट्रिक बताए थे, 3 साल का भी बताए थे, 2 साल वाला है बना के बताइए। पांच हजार। चलिए पांच हजार आएगा। ठीक है, सब लोग बनाइए। पांच हजार है सर। पांच हजार सब लोग को जवाब देना, सब लोग फटाफट बना के बताइए। पहले अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो वो हम बता देते हैं सर। इसमें इसमें आंसर तो गलत आ रहा है, 5-2 कुछ आ रहा है सर, 4-8 सीआई माइनस एसआई अगर 2 ईयर के लिए दिया हो।
क्या होता है, पी आर स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, पी आर बटा आंसर मैंने आप दी होगा, इसमें देख लेते हैं अभी पता चल जाएगा। सी आई माइनस एस आई दिया हुआ 162, पी निकालना है आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 18%, 18 into 18 बटा 100, 200 होगा तो यहीं पे 00 कर देते हैं, ठीक क्लियर है। अब इसको सॉल्व कीजिए, पी का वैल्यू निकालना है, ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर क्या होता है, आप लोग को स्क्वायर याद करने के लिए हम बताए थे, आप लोग थोड़ा सा मेहनत आप लोग भी कीजिएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये 162 काटने का जरूरत नहीं, एक ही बार में कट जाएगा, ठीक है सर। सीधे 18 से 162 भाग दीजिए, हाँ 18 नवा 162, उससे भी आसान तरीका बता रहा था। 18 2 5 गुप्ता जी इतना आगे ना भागो, ये 18 का स्क्वायर 324 होता है, तो आप 324 पी कर सकते हैं। गुप्ता जी पे दबाव मत बनाइए भाई, ठीक है। पी बराबर क्या हो जाएगा, 162 अब देखिए क्या होता है, आप लोग को जब एक इसमें एक दो क्लास बाद हम आपको गुना भागा स्क्वायर का ट्रिक बताएंगे, लेकिन ट्रिक तब याद होगा जब आपको टेबल याद होगा, तो ठीक है। तो पहले कोशिश करना है, इसलिए स्टार्टिंग में हम स्क्वायर का ट्रिक नहीं बताते हैं, फिर आप लोग डिपेंड हो जाएंगे फिर ट्रिक पे, और एग्जाम में ट्रिक अगर प्रैक्टिस नहीं है तो याद नहीं रहेगा, इसलिए पहले कोशिश करते हैं कि आप लोग याद कर लीजिए, फिर आपको हम बताएंगे कि अगर कोई भी संख्या 5 से कैसे काटते हैं, 4 से कैसे काटते हैं, 2 से कैसे काटते हैं, बहुत ही आसान तरीका हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सीधे ये 5 से आपको कट रहा है, ठीक है, ठीक है, ये पूरे 50 बार में कट जाएगा, और यहाँ पे 2 जीरो और बचेगा, हो जाएगा 5। अब ये कैसे हम काट दिए, अब इसका एक क्लास में ही बताएंगे हम कि 5 से विभाज्य, 4 से विभाज्य, बहुत आसान तरीका है, लेकिन उसके लिए आप लोगों को पहले स्क्वायर 1 से लेके कम से कम 30 तक का स्क्वायर याद कर लीजिए, 1 से 10 तक का क्यू, ये आपको खासकर डीआई में बहुत मदद करेगा, डीआई में हो गया, सीआई में देखते हैं 10 गुना 10 गुना 10 तीन बार करना होता है, 11 गुना 11 गुना 11 तीन बार, अगर क्यू याद रहेगा तो बहुत ही आसान होगा, नहीं तो आप लोग करते रह जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा, 5000। नन ऑफ दिस किनका आ रहा था सर, मेरा आ रहा था, वो एक्चुअली सर मैंने 162 ना पी की जगह रख दिया था। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक टाइप है जो हम नहीं बताए थे, आज हम इसको डिस्कस कर देंगे, ऐसे आप लोग ट्राई कर लीजिए एक बार, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी जानना है तो जानना है, बहुत छोटा सा चीज है, कोई बड़ा चीज है नहीं। सर 8.25 तो निकालना पड़ेगा, 8 पॉइंट तो आना तो चाहिए आपको, रेट निकालना है। देखिए इसका फॉर्मूला होता है, सॉरी 8.33 सर, रेट बराबर, इसको आप लोग कॉपी पे लिखना है, बताए थे आप लोग, अगर कॉपी पे लिखना है तो आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। जब रेट निकालना हो तो रेट बराबर होता है 100 बटा टी इंटू एन माइनस वन, 100 बटा टी इंटू एन माइनस वन। अब समझाते हैं, ये रेट का ट्रिक है, या ट्रिक नहीं फॉर्मूला ही है, ट्रिक बोल के बेइज्जती नहीं इसका करना। अब जब भी रेट निकालना होगा इस टाइप के क्वेश्चन में, जब दुगुना तिगुना चार गुना पांच गुना इस तरह से बात किया जाएगा, तो कुछ नहीं करना, ये 100 हो गया,
टाइम आपको दिया हुआ 12 वर्ष, तो यहाँ 12 लिख दीजिए गुना n माइनस वन। ठीक है, n n क्या है, ये जो दुगना है ना, दुगना है तो ये n का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, अगर तिगुना होता तो n का वैल्यू क्या हो जाता 3, चौगुना होता तो 4, तो ये n आपको वहां से निकलेगा, तो ये 2 माइनस 1, तो ये 100 बटा 12 ही रह जाएगा, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। 100 बटा 12 आप काट लीजिए 50, 6 25, 3 8 या 24, 25 बटा 3। अब ऑप्शन है इसमें नहीं, जो भी ऑप्शन पॉइंट में होगा तो पॉइंट में कर देंगे अगर। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर से एक बार बता देते हैं, जब कभी भी साधारण ब्याज का जो रेट अगर बोले कोई टाइम दे देगा उसमें दुगुना चार गुना पांच गुना छह गुना हो रहा है, तो आपको ये फॉर्मूला रेट बराबर लगाना 100 इंटू टी, टी आपको जो टाइम दिया हुआ है, और एन जितना दुगुना तिगुना जो दिया हुआ माइनस वन आपको कर देना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस। बताइए 2560 सर। चलिए चलिए देखिएगा, इसमें क्या बोला है, बोला है 18% छूट और 10.5% छूट, ये जो डिस्काउंट का बात हो रहा है, ठीक है, पर बेचे जाने वाले किसी वस्तु का क्रय मूल्यों का अंतर दिया हुआ 192। ठीक है, वस्तु का अंकित मूल्य आपको निकालना है। ऐसा क्वेश्चन में कुछ करना खास नहीं है, बस इतना समझ लीजिएगा दोनों छूट का डिफरेंस निकाल लीजिए। एक्चुअली आपको दिया क्या है 18% माइनस 10.5% बराबर वैल्यू दिया हुआ 192। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन आपको बताया गया है। दोनों का डिफरेंस कितना होगा 7.5% का वैल्यू 192, 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा 25.6, और 100% निकालना है आपको, 100% बराबर क्या हो जाएगा 2560। फिर से देखिएगा, क्वेश्चन बोला है दो छूट का चर्चा है, उसको अगर दो किसी वस्तु को दो छूट पे बेचते हैं तो वस्तु का क्रय मूल्य का अंतर दिया हुआ 192, तो दो जिस चीज में छूट मिल रहा है दोनों का डिफरेंस जो निकालेंगे वो 192 के बराबर आएगा, तो दोनों का डिफरेंस 192 हो गया। 7.5% का वैल्यू 192, 1% का वैल्यू 25.6, और 100% ही आपका जो होता है वही आपका अंकित मूल्य पूछा है, यही आपका मार्क प्राइस होता है। मार्क प्राइस 100% ही होता है किसी वस्तु का
100% ही मार्क प्राइस होता है, तो मार्क प्राइस बराबर 2560 हो गया। ये अभी आपको एक बार और हम प्रॉफिट एंड लॉस एक बार फिर से पढ़ाएंगे, बहुत लोगों का या स्टार्टिंग में पढ़ाए थे, डेमो के आसपास टाइम में पढ़ाए थे, तो हम एक बार फिर से पढ़ा देंगे, उसका इशू नहीं है। हमको आज पता तो चल गया कि आप लोग कितने पानी में हैं। चलिए डीआई पढ़ाया हुआ है, दो क्वेश्चन डीआई से फटाफट बताइए। चालीस सर। चालीस सर। चालीस सर। चलिए आइए देखिए, ये जो डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है, इसमें पहले हम लोग डेटा को समझेंगे। डेटा में बोला गया है टोटल 5 बिल्डिंग्स हैं, टोटल नंबर ऑफ फ्लोर जो दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स इन बिल्डिंग, ठीक है, वैकेंट फ्लोर दिया हुआ और टोटल ऑक्युपाइड, यानी कि ये दोनों का डिफरेंस जो होगा ये होगा, ठीक है, ये टोटल है, ये आपका वैकेंट हो गया और ये ऑक्युपाइड हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछता है कि इमारत बी सी में एक साथ अधिकृत यानी कि ऑक्युपाइड बी सी का एक साथ, तो बी सी का एक साथ कितना है, 1400। बी सी में एक साथ कितना है, 1120 और 280, ठीक है, तो ये हो गया 1400। और इसमें डी और ई में कितना, 600 और 840, 1440, दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 40। क्लियर है जी सर। चलिए नेक्स्ट बताइए, तीन हजार सर। बोला है ठीक है, यदि इमारत ए के प्रत्येक अधिकृत वाली मंजिल पर 3 व्यक्ति रहते हैं और इमारत डी में प्रत्येक अधिकृत मंजिल पर 2 व्यक्ति रहते हैं, तो इन दो इमारत में रहने वाले की कुल संख्या, तो ये आपको 600 × 3 और 600 × 2 और 600 × 2 यही बोला है, ये 1800 और ये 1200, ये हो गया टोटल 3000। चलिए आते हैं हमारा मोस्ट फेवरेट टॉपिक
पजल। आपके पास है फुल्ली 5 मिनट, आराम से बनाइएगा, हमको आंसर चाहिए। अगर ये बनाते हैं तो हर पजल पे 5 नंबर आप लोग के पास है। माइक ऑफ कर दीजिए सभी लोग। बन गया सर, सिर्फ डन बोल दीजिएगा और कुछ नहीं। डन सर। डन। डन सर। बन गया सर। डन सर।
चलिए देखते हैं, उम्मीद है बन गया होगा आप लोग से। आठ व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एक वृत्त के चारों ओर बैठे हैं, वो सभी केंद्र के अंदर दिख रहे हैं। तो जब भी केंद्र के अंदर का बात होगा तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। केंद्र के अंदर यानी इनसाइड द सर्कल, ये आपका सेंटर है, सेंटर के तरफ वो देख रहा है। तो आपका बायां हाथ बायां होता है, आपका दायां हाथ दायां हो जाएगा। अब आगे क्या बोला गया है कि सी डी के बीच दो व्यक्ति है और जी और ए के बीच तीन व्यक्ति है, डी एफ के दाएं दूसरे स्थान पे, एच बी के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं, जी डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एच ई का निकटतम पड़ोसी है, ठीक है। अब आइए देखते हैं, सी डी के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं, तो आप सी डी से स्टार्ट। देखिए जब भी पजल में क्या होता है ना, आपको एक लिंक खोजना होता है, सी डी। अब आपको D का कोई है, D है जो F के दाएं दूसरा है, तो आपको ये पता चल गया, तो CD से भी आप स्टार्ट कर सकते। लेकिन CD का दो पॉसिबिलिटी बन सकता है, CD एक मान लीजिए अगर C यहाँ बैठा है तो CD के बीच में एक यहाँ बैठेगा, दूसरा CD के बीच में यहाँ बैठेगा। दो पॉसिबिलिटी आप लेके चल सकते हैं। ठीक है, CD के बीच में दो व्यक्ति है, उसके बाद D को पकड़िए, D है जो F के दाएं दूसरा है, D है जो F के दाएं दूसरा है, तो F के दाएं दूसरा यहां पे होगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब DF आपको मिल गया है, अब HB के बीच दो व्यक्ति है, ठीक है, और GD का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो निकटतम पड़ोसी का मतलब कि यहां पे G नहीं बैठेंगे, यहां पे G नहीं बैठेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है कि H है जो E का निकटतम पड़ोसी, जहां भी H बैठेंगे वहां पे E बैठेंगे, क्लियर है। तो आइए देखते हैं इसको सर। बताइए सर, C के बीच दो, यही क्यों मान रहे हैं सर आप F को? ये तो C और D के बीच इधर भी मान सकते हैं ये तो सर। हम बताए तो कि हम क्या बोले कि दोनों दो पॉसिबिलिटी लेके चल सकते हैं, कि यहाँ C और D यहाँ भी लेके चल सकते हैं, इसलिए तो डबल फिगर लिया है, दो पॉसिबिलिटी आपको लेके चलना होगा। पहले ये बनाएंगे, बन गया तो ठीक है, नहीं तो फिर ये बनाएंगे, ठीक है। अब है DF के दाएं दूसरे स्थान बैठा हुआ है, D आपको पता चल गया। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए सिंपल है कि आप HB के बीच दो व्यक्ति बैठा हुआ है और GD का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो आपको ना इस तरह से HB को बैठाना है जिससे कि HE एक साथ बैठे, ये पॉसिबिलिटी आपके पास होना चाहिए। आप ही बताइए कहाँ पे डालें आप H और E एक साथ बैठेगा, दिमाग में रखिएगा कि जहां भी H बैठाएंगे वहां पे एक जगह होना चाहिए जहां पे हम आपको E बैठा सके। सर E को C के लेफ्ट बैठाएंगे, उसके बाद H को। बताइए आप लोग। सर E को C के लेफ्ट बैठाएंगे, उसके बाद H को बैठाएंगे तो हो जाएगा। सर D के ऊपर H रख दीजिए, उसके बगल में E रख दीजिए। चलिए ये भी सही है आपका, एच ई यहाँ पे बैठ के आप ध्यान से देखिए, एच ई का निकटतम पड़ोसी है और एच बी के बीच दो है। अब एच बी के बीच दो है, इधर से लेके चलेंगे एफ आ जाएगा, इधर से लेके चलेंगे बी बैठ सकता है, ठीक है। अब आपको बचा क्या, अब बोला क्या है, जी डी निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पे जी तो बैठेंगे नहीं, तो जी यहाँ बैठ जाएंगे और बचेगा क्या आपके पास, ए और जी के बीच में तीन है तो सत्ती ए उधर बैठ जाएगा बस, ये और अब बचा तो एक ही बचा ना, ए बी सी डी ई ए, ए, सर, ए. ए बचा, हो गया। अगर इससे नहीं बनता तो ये वाला पॉसिबिलिटी लेते हैं, अगर फर्स्ट पॉसिबिलिटी से बन गया तो अगला लेने का जरूरत नहीं है, लेकिन एग्जाम में आपको डबल पॉसिबिलिटी लेके ही चलना है। वो बोला ये जो फर्स्ट एक ही पॉसिबिलिटी से पजल बन जाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं आएगा। सर एक बार क्वेश्चन इंग्लिश में खोलिए जरा। हाँ, ये जो इंग्लिश में लिखा था, ठीक है, बस बस यही देखना था, बस कोई नहीं, ठीक। चलिए नेक्स्ट।
बन गया सर। बी एफ के बाई ओर से जो बी जो है एफ के बाई ओर बन गया सर। बन गया सर। बन गया सर। हो गया सर। बन गया सर।
चलिए उम्मीद है बन गया होगा आप लोग से। बोला है टोटल 8 मित्र हैं ए से लेके एस तक, एक पंक्ति में लीनियर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, सभी है जो उत्तर की तरफ देख रहा है तो और आसान हो जाता है। आपका दायां हाथ दायां, आपका बायां हाथ बायां। चलिए आपको एक फिक्स पोजीशन को खोजिएगा। ई और सी के बीच में दो व्यक्ति है, ठीक है, ई और सी के बीच में दो व्यक्ति है। उसके बाद ई और सी के बीच में दो व्यक्ति, ई किसी एक अंतिम छोर पे बैठा। चलिए यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी आ गया। पहला पॉसिबिलिटी है कि ई को यहाँ ले लीजिए, दूसरा पॉसिबिलिटी है ई को यहाँ ले लीजिए। ठीक है, अब सी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है? ए। अभी हमको बस ई का दिमाग में रखिएगा, आपको बस ई का जो रिलेशन है वो देखना है, वो आसान हो जाएगा। जैसे ई और सी के बीच में दो है तो यहाँ पे सी यहाँ और यहाँ पे सी यहाँ। ठीक है, अब देखिए सी के दाईं और दूसरे स्थान पे ए है, सी के दाईं और दूसरे स्थान पे ए है, सी के दाईं और दूसरे स्थान पे यहाँ पे ए है। अब एफ सी का तत्काल पड़ोसी नहीं है, एफ है जो सी का तत्काल पड़ोसी नहीं, यानी यहाँ पे एफ नहीं बैठ सकता, यहाँ पे एफ नहीं बैठ सकता, और यहाँ पे एफ नहीं बैठ सकता, यहाँ पे एफ नहीं बैठ सकता। उसके बाद है एच डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे है और डी किसी अंतिम छोर पे नहीं बैठा हुआ है। ठीक है, और आपका ए सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है, बी है जो एफ के बाईं ओर चौथे स्थान पे। अब यहाँ पे आपको ना ये समझना होगा कि बी को कहाँ पे पुट करें। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बी को आप पुट ऐसा जगह पे कीजिए, ठीक है, जहां पे बी को अगर आप पुट करते हैं, बी है जो एफ के बाईं ओर चौथे स्थान पे, बी है जो एफ के बाईं ओर चौथे स्थान पे, बी को ऐसा जगह आपको पुट करना है जहां पे आप एफ का भी रिलेशन आप निकाल सके। ठीक है, तो अगर नीचे वाला केस में देखते हैं तो बी आपका यहाँ पे भी पुट हो सकता है, अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो एफ कहाँ पे पुट होगा? एफ कहाँ पे पुट होगा बताइए? लास्ट में। लास्ट में नहीं, यहाँ होगा। ये तो गलती आप लोग करते हैं। ठीक है, अगर ऊपर देखते हैं तो ऊपर आप यहाँ पे एफ डालेंगे तो बी कहाँ पे पुट होगा? सर वहां एफ लगेगा ही नहीं। सर लगेगा ही नहीं, तो ये पॉसिबिलिटी खत्म। ठीक है, अब सिर्फ नीचे वाले में आपको आना है। आपको बी पता चल गया, एफ पता चल गया। ठीक है, अब डी के बाईं और तीसरे स्थान पे एच है तो डी आप कहां पे लगा सकते हैं? तो आप डी यहां पे खाली जगह के बीच में, सर यहां पे डी लगा दीजिए। अब डी के बाईं और तीसरे स्थान पे एच है तो बाईं और तीसरे स्थान पे यहां पे एच हो गया। आपको बस एक बचा, एक क्या बचा? जी बचा, जी यहां पे डाल दीजिए। क्लियर है सबको? जी सर, वो ठीक। चलिए अब आ जाते हैं स्कोर पे। बताइए अब स्कोर आपको। क्या रहा स्कोर? एक सर, एक साइलो में गलत है और एक का सलूशन कर नहीं पाया, बाकी सब सही है सर। हम बता सर, हम एक सेकंड रुक जाइए, कैसे नंबरिंग करना है वो बता देता है। इनक्वालिटी का 3 क्वेश्चन था, साइलो का 3, सिंपल इंटरेस्ट का 2 क्वेश्चन, कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट का 1 क्वेश्चन होगा, इसको एक कर, टोटल 3 क्वेश्चन था, इसका 1 क्वेश्चन था, डेटा से 2 क्वेश्चन था, पजल 2 था, यानी 10, यानी 10 तो 12 13 14 15 16 16 6 22 22 में आप लोग अपना स्कोर सिंपली बताइए, 22 में कितना सही है। पजल जो है ना, ये 2 पजल था, ठीक है, ये 2 पजल था, इसका वैल्यू 10 नंबर है। ठीक है,
पजल हमेशा चार या पांच के ही फेज में आएगा। 22 ठीक है सर, एक साइलो में गलत हो गया, 21 हो गया, 22 में बताइए सब लोग। सर 20 नंबर है, 20 नंबर बताइए सब लोग फटाफट। 18 सर, 18 19 बस, बाकी लोग बताइए सब फटाफट। Twelve, sir. 13, sir. 11, sir. 11. चलिए अब पेपर वन का ये टेस्ट था, अब जो हम बात समझा रहे हैं वो आप लोग समझिएगा। आज पेपर वन का टेस्ट था, अगले संडे को इसी संडे को कौन सा डेट पड़ रहा है, एक सेकेंड, 25, 26, 27, 28, 29, 29 होगा ना, 29, 10, 2023 आपका टेस्ट होगा, वीकली टेस्ट नंबर 2 और ये टेस्ट होगा पेपर 2 पे, ठीक है, पेपर 2 का टेस्ट होगा। और अभी तक पेपर 2 में हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं, MSP, वन नेशन वन राशन कार्ड, ठीक है, ये दो टॉपिक है, दो टॉपिक और इस वीक में हम लोग संडे के पहले दो टॉपिक और पढ़ेंगे, तो वो चार टॉपिक का टेस्ट आपको संडे को होगा, तो माइंड में प्रिपेयर कर लीजिए। जिनका भी क्लास छूटा है तो वो ग्रुप में लिंक डाला हुआ होगा, MSP तो यूट्यूब पे भी है और वन नेशन वन राशन कार्ड में भी आज रात तक यूट्यूब पे भी सबके लिए अवेलेबल हो जाएगा, ऐसे ग्रुप में है, ठीक है, MSP देख लीजिए ग्रुप में अगर हो तो, हाँ है ग्रुप में है, MSP तो ग्रुप में भी है और YouTube पे भी अवेलेबल है सबके लिए पब्लिक, ठीक है। तो ये दो टॉपिक तो अभी तक पढ़ा चुके पेपर 2 में, दो टॉपिक और इस वीक में पेपर 2 का शेड्यूल है, ठीक है, और संडे को ये दो होगा, उसके अलावा और बताएंगे हम, पहले इतना दिमाग में रख लीजिए ये दोनों का टेस्ट है। अब जो टेस्ट होगा, ये तो टेस्ट जो हुआ ये तो बस पहला था, समझ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जो टेस्ट होगा हम बता दिए, सैटरडे को रात में या संडे को मॉर्निंग में आपको एक लिंक जाएगा, उसको ओपन कीजिएगा, लिंक क्या है, हमारा जो बैंकिंग ब्लॉग ऐप है उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, उसी में सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए टेस्ट रहेगा, ये टेस्ट आप लिंक हम भेज देंगे, टेस्ट आप देंगे, नंबर आपको उसी समय पता चल जाएगा और हमको भी पता चल जाएगा, और फिर उसका सॉल्यूशन हम रात वाले क्लास में कर देंगे, जिससे कि समय जो बनाने में देना पड़ता है वो बर्बाद नहीं होगा, टेस्ट अब उसी पैटर्न पे होगा, ठीक है, आज के लिए सर। हाँ बोलिए सर, साइलो का जो तीसरा वाला क्वेश्चन था एक बार खोलिएगा, साइलो का जो, इसी में जो थर्ड अभी, हाँ आज जो कराया उसमें थर्ड क्वेश्चन, ये पहला है सेकंड और थर्ड, बताइए बस यही सर, एक बार इसको पूरा समझाइए फिर से, मतलब देखिएगा इसमें क्या है कि इसको पहले रब कर देते हैं, Only a few cups are bucket. अब only a few लगा हुआ है तो ये वाला एरिया को ब्लॉक कर दे, इसका रजिस्ट्री हो गया। No bucket is jug का मतलब ये है कि बकेट का जो टोटल पार्ट है ये इतना पार्ट है जो बकेट है, तो उतना पार्ट में कप का भी तो छोटा सा हिस्सा है ना,
जो पॉकेट में है, और ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट भी क्या होगा, जग नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, पूछा नो बकेट इज ए जग, करा कोई भी बकेट है जो जग नहीं है, नहीं सर ये कंक्लूजन सम कप, सम कप्स आर नॉट बकेट, कप का कोई ऐसा पार्ट है जो बकेट नहीं है, तो कप का ये वाला जो पार्ट है ओनली अ फ्यू क्योंकि लगा हुआ, वो कप का कुछ कंफर्म, कप का कुछ ऐसा पार्ट होगा जो बकेट नहीं होगा, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं सर, नहीं सेकंड वाले कप, सम कप आर नॉट जग, कप का ये वाला पार्ट तो कंफर्म है ना कि जग नहीं होगा। ठीक है सर, एक चीज और बताइए। हाँ बोलिए सर, इसमें अगर नो बकेट वाला नहीं होता तब भी तो ये सही हो जाता। नो बकेट मतलब, मतलब यहाँ पे सेकंड वाला नहीं होता, ये स्टेटमेंट ही नहीं होता। हाँ ये स्टेटमेंट को काट दिए और कंक्लूजन ये चाह रहे हैं जी सर, नो सम कप अगर बकेट, बकेट का जग का अब तब कट जाता सर, ये तब रॉन्ग हो जाता। सम कप आर नॉट जग, कप का जग के, कप और जब जग है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो नहा का पता नहीं सर, जैसे नो का ना होता डाउट का वाला होता तो सर, सम का अगर केस होता। अच्छा सम बकेट इज जग, सम बकेट इज जग, तो फिगर ऐसे बनता, तब भी ये सही होता सर। ठीक है, तब भी तो सर ये सही होता है, तब भी सही होता। एक सेकंड, सम बकेट इज जग, हड़बड़ाइए नहीं, फिगर तो बनाने दीजिए तब तो समझा पाएंगे। अब आपका कहना है कि सर ये नो के जगह सम कर दिए हम, ठीक है, सम बकेट इज जग, सम बकेट इज जग का फिगर ये बनेगा। अब आपका कहना है कि सम कप आर नॉट जग, तो कप, अब ये बोला जो आपका ये बोला स्टेटमेंट खत्म हो गया, अब इसको भूल जाइए आप। ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि सम कप आर नॉट जग, तो कप का ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, कप का ये वाला जो पार्ट है वो जग का तो कोई रिलेशन ही आप नहीं दिए। जग का कोई रिलेशन है आपके पास? आपका कप और जग का डेफिनेट रिलेशन कुछ है नहीं सर, रॉन्ग हो जाएगा। नहा का पता, अन्ना का पता, लेकिन सर जो उसके साथ ब्लॉक है वो तो सर नहीं होगा ना। हाँ वो नहीं होगा, तो आप सिर्फ ये बता सकते हो ओनली अ फ्यू कप आर बकेट का मतलब सिर्फ ये ना है कि सम कप आर बकेट और सम कप आर नॉट बकेट। आप नॉट जो पार्ट फ्री है वो जरूरी थोड़ी है कि जग है, वो पॉसिबिलिटी में ना होता, डेफिनेट आपको नहीं पता है। जो सर ब्लॉक है वो तो सर जग में होगा ना। सम कप आर नॉट, जो ब्लॉक है, जो पार्ट ब्लॉक है कप और बकेट का, ये वाला पार्ट कप और बकेट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये थोड़ी है कि जग जग भी नहीं होगा, उसका कोई रिलेशन थोड़ी दिया हुआ है। ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, वो कहीं नहीं जाएगा, वो ब्लॉक है वो ब्लॉक ही रहेगा, लेकिन जग ही वो जो वो ब्लॉक वाला जग होगा ऐसा कैसे आप बोल सकते हैं? नहीं सर नहीं होगा, ये तो बोल सकते हैं। हाँ नहीं नहीं होगा लिखा है, दूसरा ऑप्शन सर। हाँ सम कप आर नॉट जग, तो कप का ऐसा पार्ट है जो जग नहीं है। ठीक है, बात को समझिएगा, जो आप लोग हमसे बुलवाना चाह रहे हैं उसको हम समझा दे रहे हैं फिर से। ठीक है, ऐसे नहीं, नहीं तो गलत चीज आप लोग सीखना नहीं है, बढ़िया से हम समझा दे रहे हैं इसको, हड़बड़ाइए नहीं। आपका कहना है कि सर ये पहले तो आप इस स्टेटमेंट को नो की जगह सम कर दें। ठीक है, अब सम करके हम फिगर बना रहे हैं, ओनली अ फ्यू कप आर बकेट। ठीक है, उसके बाद सम बकेट आर जग, ये फिगर है, ओनली फ्यू लगा है तो इसमें हम इसको ब्लॉक कर देंगे। अब आइए, सम कप आर नॉट बकेट, तो कप का सम कप आर नॉट बकेट, तो ये तो कंफर्म ओनली फ्यू के कारण ये सही हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सम कप आर नॉट जग, कप का कोई ऐसा पार्ट है, क्या बोला है, सम कप आर नॉट जग, कप का कौन सा पार्ट है जो आप जग नहीं है, इस फिगर में कहां पे लगा हुआ है, कहां पे लिखा हुआ है? बकेट के साथ लगा हुआ सर। आप देखिए ध्यान से समझिएगा, सम कप आर नॉट जग, सम कप, कप का जग से डेफिनेट में कोई रिलेशन है नहीं है, नहीं है सर। तो आप जवाब दे सकते हैं तो सर, सर नो बकेट इज ए जग में भी होता सर, ऑल कप्स और नॉट जग होता तो सर ये सही हो जाता। देखिए ऑल कप जब आएगा तो ये हमारा ये 90% 100% आप मान रहे हैं, वहां पे वो चीज समझ में आ रहा है। ठीक है, वो सही हो जाएगा। देखिए ये हमारा ब्लॉक हो गया, समझ आ गया सर, जो ब्लॉक नहीं है उसके लिए हम कुछ नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, हमको बस इस फिगर में इतना पता है, इस फिगर में क्लियर हो गया, इस फिगर में बस इतना जानते हैं कि कप और बक का ये वाला कॉमन पार्ट है, ये ब्लॉक किया हुआ,
कप का जो 90% है नॉट का कोई यहाँ पे बग का जो 90% ये फ्री है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, ये पॉसिबिलिटी में सब जगह सही हो जाएगा। ओके ठीक है सर, क्लियर हो गया। सर अवनी जी ने सवाल तो सही पूछा था, मतलब जैसे सम कप आर नॉट जग, तो वो जो बकेट के साथ पोर्शन है वो जग नहीं हो सकता। अच्छा, ये नॉट वाले केस में लग रहा है, इस वाले में नहीं लग रहा, यही कंफ्यूजन हो जाती है। देखिए, हम बार मतलब अभी आपने समझाया, अभी समझ में आ गया, लेकिन कुछ मतलब एक दो चार दिन बाद भूल जाते हैं नॉट वाले केस में लगा दूंगी। सर लेकिन जब नो बकेट इज जग हुआ फिर ये इसी वजह से काटा था सर, मतलब मैं गलती इसी वजह से हुआ था ये नो बकेट। देखिए दोनों जो आप लोग बोल रहे हैं ना, अब जैसे अब आज इसका डायग्राम अलग बना दीजिए, दोनों अलग अलग एक तो बना दीजिए, वो भी करा दीजिए, ये भी करा देते हैं। अब इसका जो डायग्राम बनेगा ये अलग बनेगा इसका, क्योंकि सर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है सर, दोनों ठीक लगते हैं इसमें। वही बात है ना, एक एक समय कप है, only a few cup or bucket or no bucket is jug, ये कटा हुआ है ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला आपका जो ओरिजिनल क्वेश्चन है सम, ये तो फर्स्ट में कोई इशू नहीं किसी को। ठीक है, सेकंड में सम कप आर नॉट जग, तो कप का ये वाला पार्ट जो है, ठीक है, ये जग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो समझिएगा, ये ओनली अ फ्यू के कारण नहीं कटा हुआ है, ये इसलिए कटा है क्योंकि ये बकेट इतना पूरा है। ठीक है, ये ओनली अ फ्यू का यहाँ कोई चर्चा नहीं है, ये बकेट ये पूरा है, तो ये बकेट के अंदर कप आ गया और कप का इतना पार्ट है जो कभी भी जग नहीं होगा, ये ओनली अ फ्यू के कारण नहीं हो रहा है, ये बकेट के कारण हो रहा है। ठीक है सर, असर ऊपर वाले में एक बार फिर से थोड़ा सा ऊपर वाले में वही चीज है कि हमको बस ये पता है कि कप बग का इतना परसेंट कॉमन है, अपने पास रजिस्ट्री कराया हुआ है, 90% कप फ्री है और बग 90% फ्री है। जग जो है अलग एलिमेंट है जग का, बस सम बकेट इज जग, बकेट का जग का सम का कैसा, हमको इस फिगर में इतना ही पता है। ठीक है, समझ लिए बात को, ओनली अ फ्यू इतना फंसा हुआ है, कप 90% फ्री, बग 90% फ्री, इसका सम का रिलेशन। अब आप बोले कि सर सम कप आर नॉट जग, कप और जग के बीच में डिफिनेट में कोई रिलेशन नहीं है, तो आप जबरदस्ती कप का जो भी पट, अच्छा एक चीज बताइए, अब यहाँ पे कोई फिगर होता M, ठीक है, तो फिर आप बोलते कि सर ये वाला पार्ट तो M भी नहीं है, तो ऐसा कितना भी फिगर बना दीजिएगा तो नो वाला पार्ट वो किसी के साथ नहीं जाएगा, डिफिनेट रिलेशन यही तो कहता है। जब तक डिफिनेट रिलेशन नहीं दिया रहेगा, ना हा का पता ना का पता, जरूरी नहीं कि वो दोनों का कटा हुआ पार्ट, अगर वो दोनों का नहीं है तो तीसरे को जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है सर। एक जो है होमवर्क में जो है दिया हुआ था जो है इनइक्वालिटी का पहला ही क्वेश्चन वो कर रहे थे, बड़ा कंफ्यूजन था, वो हो नहीं पा रहा था, पहला क्वेश्चन आपने दिया है सर, इसी में क्वेश्चन करना था मुझे इनइक्वालिटी का, इनइक्वालिटी का जो होमवर्क किया था आपने उसका पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं, देख लेते हैं मोबाइल में होगा मेरे, m is e greater than x, m is greater equal x, m greater equal x, x comma c greater than b, comma f less than q, q less than के बाद less or equal b, ठीक है, और x greater equal b, greater equal s, b s f comma, equal to s, f बराबर d बराबर s, ठीक है। आपसे पूछा है conclusion first में c greater than f और second में पूछा है b greater than d, d, ठीक है, इतना ही है जी। आप लोग भी सब लोग ट्राई कीजिए, सब लोग बनाए हैं ना होमवर्क, कि बस हम दे दिए आप लोग छोड़ दिए, बताइए क्या आंसर है इसका। तो इसके बहुत क्या पूछा है बस सर, दोनों सही है, सही है दोनों सही बहुत फॉलोज। चलिए आइए देखिएगा ध्यान से, हमको C से F के घर जाना है, और जब C से F के घर जाना है तो हमको क्या चाहिए, ग्रेटर चाहिए दोनों जगह, ध्यान से देखिएगा, दोनों सही है। C से F के घर जाना, ठीक है, C से B के घर गए और C कहीं पे नहीं,
और बी से एफ के घर आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम हमको तो दो मिल गया, ग्रेटर यहां भी और यहां भी। बी से डी के घर जाना है, बी से डी के घर, बी यहां पे है, क्यू मिला, डी आपका कहां पे, वहां देखिए, बी से डी और एफ बराबर यहां पे डी है, तो बी से क्यू, क्यू से डी। सर अब इसका आंसर देखिए सर, उसमें जो दिया है आपने। आंसर क्या है? बोथ वन एंड टू फॉलो, चार नंबर। सर एक 18 और देख लीजिए। देख लेते हैं पहले इनका एक आंसर क्या है फर्स्ट का। सर बोथ फॉलो जी है, बोथ ही फॉलो तो है आंसर। सर डी है, डी मतलब बोथ फॉलो। ऑप्शन देखिए ना, उसका ऑप्शन भी क्वेश्चन के साथ ऑप्शन है ना, ओनली वन फॉलो ए में, ओनली टू फॉलो बी में, ओनली सी फॉलो सी में, आइदर है डी में, बोथ है, कौन सा डी दिया हुआ, बोथ फॉलो। ठीक है सर, 18 का आंसर मुझे लग रहा सर कुछ गड़बड़ था, 18 एक बार से देख लीजिए। देख लेते हैं 18। अठारह नंबर देखिएगा जो होमवर्क आप लोग को दिया गया है। अठारह तो आसान है, ए ग्रेटर इक्वल बी लेस और इक्वल सी, उसके बाद है एफ, एफ लेस देन ई, फिर कॉमा ए टी बराबर ई। पूछा क्या है आपसे 18 में पूछा पहला कंक्लूजन ई बराबर बी और ई ग्रेटर देन बी। अब आप लोग इसको आइदर मारे होंगे, मे भी यही सोचे होंगे आप लोग, देख लेते हैं एक बार आइदर है कि नहीं। पहले है ई बराबर बी, ठीक है ध्यान से देखिएगा, हमको E बराबर B कहाँ, E यहाँ पे है, E यहाँ पे है, E ग्रेटर देन F, F का कोई रिलेशन है, E बराबर B कहीं पे नहीं है, E ग्रेटर देन B, E ग्रेटर देन B, E ग्रेटर देन B, E ग्रेटर देन B, E ग्रेटर देन F, F से B का कोई, E ग्रेटर देन B, E से F, F का कोई रिलेशन है, दोनों गलत है, नाइदर आंसर होगा, क्या दिक्कत है? आप अगर ये सोच रहे हैं कि सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है इसके कारण अगर मार दे हम आइदर तब तो गड़बड़ है ना। तीन साइन नहीं हुआ ना सर, तीन साइन नहीं हुआ, थ्री साइन भी देखना, सबसे पहले ये भी देखना है कि अगर ई हमारा क्या है, ई बराबर बी और ई ग्रेटर देन बी, ऐसा रिलेशन भी तो ऊपर आना चाहिए। सर ई और ए का, सर ई और ए से बी पे पहुंच जाएंगे सर। ई से किससे? ई सर ये लास्ट देखिए, ए इज लेस देन डी इक्वल टू ई, सर इससे बी पे पहुंच जाएंगे। ए और ई में पहुंचना, ई से बी के तरफ, ठीक है। ई से एफ आया, एफ से रिलेशन कहाँ है? अच्छा आप बोल रहे हैं कि ई यहाँ पे डी कर दीजिए। नहीं सर, ए ई सर ए बी और ए ई में रिलेशन है ना, इससे सर ई और बी में हो जाएगा ना। अच्छा एक सेकेंड, E बराबर सर A और E, A और B, A से B सर, फर्स्ट स्टेटमेंट और लास्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। A से हम B गए, ठीक है जी, हमको सही हो गया सर, दूसरा सही हो गया सर। एक सेकंड, दूसरा सही, एक सेकंड, E से B है बोला है ना, E greater than F और F सर, नहीं सर लास्ट वाला डी की जगह ई इक्वल टू डी। एक सेकंड पहले, एक सेकंड रुक जाइए, हम जो सोच रहे हैं हमको सोचने दीजिए। ई ग्रेटर देन बी, ठीक है, ई का रिलेशन डी से, ई बराबर डी है, डी से हम पकड़ के जा नहीं सकते, ई से, ई से बी जाना है, तो ए डी से ए जा सकते हैं, ठीक है, ये हम आ गए यहाँ पे ई, ई ग्रेटर देन ए और ए, ई ग्रेटर देन
ए ग्रेटर देन बी। सही है, ठीक है, मेरा गलती है, एक सेकेंड। ए ग्रेटर देन बी, इस हिसाब से तो ई से भी हम लोग जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हाँ आंसर गलत है, क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन गलत नहीं लिखे हैं। इसे क्वेश्चन तो यही है, ए ग्रेटर देन बी, इसमें बी लेस देन सी, एफ ई, ठीक है आंसर होगा ओनली टू फॉलो। ठीक है सर, चलिए मिलते हैं कल हम लोग 8:30 बजे ऑन टाइम। कोशिश कीजिएगा 8:30 तक आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे। गुड नाइट सर। डीआई सर, डीआई और ये पजल का सर वीडियो चाहिए था। डीआई और पजल का वीडियो टेलीग्राम ग्रुप में है? हाँ सर, जाइए बिल्कुल मिल जाएगा। और सर एज वाले के नोट्स, एज हम फिर से कराएंगे जो डेमो में जो